नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने अपने सरल स्वभाव और उच्च व्यक्तित्व का परिचय देते हुए एक मिसाल कायम कर दी है। दरअसल मामला यह है कि रविवार को जामुल परिषद में सभी के साथ साथ वाहन चालकों की भी छुट्टी रहती है, परंतु आवश्यक सेवाओं के लिए एक वाहन चालक को रखा गया है, परंतु वह भी अपना कार्य खत्म करके जा चुका था। इतने में परिषद के अध्यक्ष के पास वार्ड 9 से अरविंद यादव, जो पार्षद पति है, इनका फोन आया और पता चला कि उनके वार्ड में मुक्तांजलि वाहन की जरूरत है, जिसे लाने वाला कोई नहीं है। फिर क्या था, परिषद अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर स्वयं मानवता का परिचय देते हुए मुक्तांजलि वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और पार्थिव शरीर को मुक्तिधाम जामुल पहुंचाया। ये बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, विगत कल की बात है। कल चूंकि रविवार का दिन था, 7 तारीख की, और 2-3 बजे हम अपने घर में विश्राम कर रहे थे। उसी बीच में कल छुट्टी का दिन था चूँकि, तो हमको 9 नंबर के वार्ड पार्षद के पति ने, अरविंद यादव जी ने, सूचना दी कि हमारे वार्ड में हमारे घर के सामने एक देवांगन जी ख़त्म हो गए लड़के उनके, और हमने पालिका में सूचना दी थी, लेकिन छुट्टी होने के नाते वहाँ कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। हमने भी फ़ोन किया तो लगभग जो सफाई कर्मचारी है उनका स्विच ऑफ था। तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि एक मानवता के नाते हमको वहाँ जाना पड़ा, और हमने निर्णय लिया कि नहीं, खुद ही जाके हम मुक्तांजलि चला के वो शव को एक गति देने के लिए हमने काम किया। और ये कहाँ से आपको पता चले, ये हमको जानकारी नहीं है, चूँकि आप इस बात को बोल दिए तो हमको बताना पड़ रहा है। एक मानवता एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना सब चीज़ को ताक में रख के उसको बढ़ चढ़ कर करने की एक आदमी की ललक होती है, और वही हमने किया।